तो मैं उस खानदान के पितृ पुरुष को बुला रहा हूँ। इस खानदान के पितृ पुरुष की वजह से हम सब बच्चों में, हम सब लोगों में ये लेकिन हाँ, जिसका हाथ एक बार पकड़ लिया छोड़ेंगे नहीं। वरना जब तक आपको हम उस मंजिल पे नहीं लेके जाएंगे जिस मंजिल के बारे में हमने सोच रखा है। और ये जब जिस मंजिल की हम बात करें, हम 100 करोड़ की बात करें या हम दूसरे देश की बात करें, ये सपना है या हकीकत है, ये जो होगा ये हमारे लिए नहीं, ये सिर्फ हमें, चलिए इस शब्द को सुधारता हूं, सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये हमारे अकेले की सोच नहीं है कि हम पहुंच जाए। नहीं, डेफिनेटली मैं फिर रिपीट करूंगा, एक बार हाथ पकड़ लिया ना छोड़ेंगे नहीं। धरती के ले जाए, गोद में उठा के ले जाए, कंधे में ले जाए, चलना सिखा दे, छोड़वाएंगे तो भी एक आध बार तो हम कोशिश कर लेंगे कि छोड़ने ना। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, इसमें जो सपना था वो सपना चौधरी नहीं, अमर चौधरी दिखाया हुआ सपना था। तथागत महात्मा बुद्ध को तथागत क्यों कहा गया? ज्ञान जब उनको हुआ तो तथागत भूल गए, वो भी बात पूरी दुनिया को भूल गए। ज्ञान जब उनको हुआ तो तथागत भूल गए। बिल्डिंग इतनी खूबसूरत बनी कि हम उसकी लागत भूल गए। इन महान शख्सियत को देखकर हम यूं सुदबुद्ध खो बैठे कि हम तो करना उनका यारो स्वागत भूल गए। I'm gonna take you to the top.
सर्वप्रथम अपने माता पिता को चरण स्पर्श, अमित भैया को चरण स्पर्श, और आप सबका धन्यवाद। I love you too. I love you all. But मैं शायद इतना फिर भी नहीं नाचूंगा। मुझे मुझे एक बात याद आ रही थी अभी जब हम बात कर रहे थे। आपने बोला था कि यदि हर दो तीन दिन में ये विचार आ रहा है कि छोड़ दो तो इससे अच्छा मत करो। मुझे इस बात पे एक बात याद आ गई, जिस दिन आपने डर को पाल लिया ना वो भगवान से बड़ा हो जाएगा। यदि गलती से आपने किसी भी बात का डर कि मैं नहीं कर पाऊंगा, जिससे हर बार आपके विचार बदल रहे हैं, जिसने अपनी जिंदगी में डर को पाल लिया ना उसने उस डर को उसके भगवान से बड़ा कर लिया, क्योंकि भगवान को कम याद करेगा फिर वो उस डर को बार बार याद करेगा। तो डर को मत पालो ना भगवान से बड़ा हो जाएगा, तो इसे तो पालना ही बंद कर दो, भगवान को बड़ा रहने दो, बंदे से गड़बड़ हो जाएगी। अब हमें बस क्योंकि समय कम है तो हम मुद्दे की बात पे आते हैं। जो जो मैंने पॉइंट्स सोच रखे थे उसमें तो काफी लंबा समय था, तो मैं सीधे पॉइंट्स पे आता हूँ, क्योंकि दो घंटे सर का सेशन भी नहीं हो पाएगा, अभी मेरा भी नहीं हो पाएगा। तो मैंने जो जो पॉइंट्स सोचे थे मैं और सर मिल गए, हम एक साथ कर लें। और देखिए मेरी तो क्या जिंदगी है, लाइफ है, बिजनेस है, सब कुछ इनके बिना अधूरा ही है, तो इनको ये रख लेते हैं। मैं कुछ दिन पहले एक हमारे हॉलैंड से गुरु जी आए हैं, तो वो मैं से पूछे सर हम, मैं दिल्ली में था तो वहाँ पे हम लोग मिलने गए थे कुछ फॉर्मर मिनिस्टर की दो चार लोगों से मुलाकात थी। तो मैंने बताया कि मतलब सर वो अमृतसर आ रहे हैं, तो बोले कौन अमृतसर, मतलब आपकी बात भी करवाई थी मैंने, बोले है कौन ही है, बोले ये मत पूछो कि कौन है, समय ज़्यादा निकल जाएगा, बोले ये जो कुछ मैं हूँ वो यही है और इनकी वजह से मैं हूँ, मेरी वजह से नहीं, आप मेरी वजह से तो नहीं है। नहीं नहीं तो चलिए दोस्तों, मैं एक बात पे आना चाहूंगा बार बार, क्योंकि ये सारी चीजें तो अपनी जगह हैं, लेकिन एक चीज जैसे अभी एक बात जो है विपिन सर ने बोली कि आपको अपनी स्टेशन छोड़नी पड़ेगी, आपको अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। और मैं और अमर सर पिछले कई दिनों से इस बात पे बात कर रहे हैं कि एक्सपांशन इज रिक्वायर्ड। यदि आप एक्सपांड नहीं कर पाए, अपने आप को बढ़ा नहीं पाए, एक्सपांड नहीं कर पाए तो हम बड़ा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि एक्सपांशन जरूरी है। अब मुझे जब एक्सपांशन की बात हो रही है तो साथ में एक चीज आ जाती है कि जब जब आप एक्सपांशन की तरफ सोचेंगे तब तक आपके खर्चे बढ़ेंगे, भाई एक्सपांशन के साथ क्या आएगा, एक्सपेंसेस। लेकिन जब मैं अपने बिजनेस प्लान की तरफ देखता हूं तो मुझे एक ऐसा पॉइंट समझ में आता है जो आपको एक्सपांशन की आजादी देता है, फ्रीडम देता है कि जितना एक्सपांशन कर सकते हो करो, मैं एक्सपेंसेस नहीं आने दूंगा, और वो है दिल्ली के आउट। यदि आप लिटरली चाहते हैं कि आप एक्सपांड हो, यदि आप लिटरली चाहते हैं कि भारत के हर राज्य में, हर राज्य के हर शहर में आपकी टीम हो, अगले चार से पांच साल में आप उस स्तर पर पहुंच जाए जिस स्तर की जो है विपिन सर बात कर रहे थे कि मैं उस लीडर को देख रहा हूं जिसके पास 1 करोड़ महीना आ रहे हैं, उनको देख रहा हूं जिनके पास साल के 12 करोड़ 25 करोड़ आ रहे हैं। आपको बता दूं अधिकतम अभी जो इंडिया में कमाने वाला व्यक्ति है वो साल के 24-25 करोड़, इससे ज्यादा अभी भी नहीं कमा रहा है। मैं इसको कमी आंक रहा हूं क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो ये बहुत छोटा अमाउंट है। लेकिन ये जो व्यक्ति कमा रहे हैं ना वो एक्सपांशन की वजह से कमा रहे हैं। आप कभी एक जगह से कमा ही नहीं सकते, लेकिन उनके पास भी वो चीज नहीं है जो आपके पास है, वो है डेली पे आउट। ये डेली पे आउट की ताकत यदि आपने समझ ली, जिस व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए सिर्फ इस बात के आ रहे हो कि 1 लाख रुपए इस बात के आ रहे हो कि इसको खर्च करना है, तो उसे एक्सपांशन का डर ना रह जाएगा। फिर उसे वो जो डर है कि मैं कहीं किसी सिटी में गया, मैं 4 लीडर से मिला, मैं किसी होटल में रुका, तो मेरा उस दिन का या उस पर्टिकुलर ट्रिप का एक्सपेंसेस मेरे हो जाएंगे 5-6 हजार रुपए, वो जो डर है, या वो मैं अभी बात करेंगे डर आपका भगवान से बड़ा हो जाएगा, तो वो जो एक थॉट रहेगा जिसकी वजह से मैं एक्सपांड मोड को रोक लेता हूं, वो एक्सपांड में कर ही सिर्फ एक वजह से नहीं रहा हूं, और वो ये है कि उसमें मेरे पैसे अधिकतम खर्च हो रहे हैं। लेकिन यदि मैंने डेली पे आउट पे फोकस कर दिया, यदि मैंने डेली आईडीज पे फोकस कर लिया, यदि मेरी टीम से रोज आईडीज लगने लग गई, तो ये प्रॉब्लम वैसे खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिस जगह पे मैंने नई जगह चालू करी वहां पे भी मैं आईडी पे फोकस कर रहा हूं, तो एक तो 3,600 रुपए पर डे 1 लाख रुपए मेरे पास आ रहे हैं, और दुनिया में वो नेटवर्क ही नहीं बना जिसके अकेले के पास ये पैसे आ जाए। यदि आपके पास 3-600 आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी किसी टीम के पास 1,500 पर डे आ रहे होंगे,
तो उसका एक्सपेंसेस तो आपने जीरो कर लेना अपनी तरफ से। जब जब आपके पास 3-600 आएंगे तब तक आपके टीम में किसी के पास 360 आएंगे और किसी के पास 1060। तो आप एक व्यक्ति का नहीं तीन लोगों का एक्सपेंसेस जीरो करते हुए चलेंगे। भरत का क्या छतरपुर ये लड़का, मैं इसकी शुरुआत की बात बताता हूं। शुरुआत में जब भरत हमारे साथ बिजनेस में आए थे तब भरत ने भाई शुरुआत थी, काफी दिनों बाद बिजनेस में आए थे तो उतनी प्रॉपरली इकोनॉमिक कंडीशन नहीं थी। भरत अपन खुल के बात कर रहे हैं, पर इस लड़की का मैम के पास फोन आता था, मैम मुझे बताते थे क्योंकि हमारी यूजुअली जितने लीडर हैं उनसे एक आध दो दिन में बात हो ही जाती, तो मैम बोलती थी कि भरत तो जिंदगी इस बात पे, इट्स जनरल टॉपिक हम दोनों बात कर रहे हैं सबका, कि बोले सर जिंदगी इस बात पे कि आज जो काम करता कल पैसे आ जाता फिर पेट्रोल आता फिर निकल जाता है। तो वो जो रोज 360 रुपए एक पेयर के मिल रहे थे जो 1000 रुपए तक चले गए, बोले उसी ने उसको जिंदा कर रखा और उसी वजह से उसका अगला चेक 85,000 का बन गया था मंथली। वो जो रोज 1000 रुपए उसके पास आने लग गए थे जिससे उसने छतरपुर में रहते हुए खरगापुर और खाचरो वो क्या कौन सी जगह खजुराहो और छतरपुर का पूरा एरिया ये सब कवर करने लग गया था बाइक से घूम घूम के। उस पैसे ने उस वर्किंग ने उसका मंथली चेक 85,000 का बना दिया। अब यदि वो नहीं निकलता वो रोज वो एक आईडी की वजह से एक पेयर की वजह से जो 360 नहीं आते वो जो तीन पेयर डेवलप नहीं थे। अच्छा इससे फायदा क्या हुआ, जब तीन पेयर डेवलप हो रही थी बोला नाम का है तो एक दो पेयर इसके पास भी जा रही थी। इसने बेसिकली क्या करा, जब खुद के 1500 आ रहे थे तो 1000 उसके घर में जाने लग गए, तो ये एक दिशा भागने लग गया वो दूसरी दिशा में, तो इसका 85 का चेक नहीं आया। उस वक्त आपका कितने का चेक आया था 50,000 समथिंग कुछ, तो एक का 85 का मंथली चेक नहीं बना दूसरे का। इन ये जो 85-50 अच्छा वो तो 85-50 बना, डॉक्टर साहब कहां गए, डॉक्टर साहब तीनों आईडी पे कितने का बना था 2.5 लाख। पॉइंट पकड़ो चेन, हम लोग तो काफी चेन सीरीज में कर रहे हैं ना। तो एक व्यक्ति जिसने डेली पे आउट पे फोकस करा उसके दौड़ने की ताकत बढ़ गई, उसके दौड़ने की ताकत की वजह से उसके पास 1500 रुपए 1000 डॉक्टर साहब प्लीज देखिए उसकी वजह से 85 उसका बना, डाउनलाइन का 50 बना और अपलाइन का जाए तो 2.5 लाख बना, मैम की बात करो 3 लाख का बन गया। ये जो कॉन्टिन्यूटी थी ये कॉन्टिन्यूटी कैसे आएगी, सिर्फ एक वजह से, स्किल ना भरत की पहले उसके कम थी ना इसके बाद अब कम होगी, लेकिन बीच में जो दौड़ना कम होगा ना तो आपकी स्किल जीरो हो जाएगी। आपकी स्किल भी तभी मतलब की जब आप मार्केट में जाके उसका उपयोग करें, आपका स्किल्ड होना भी तभी काम का है, यहां से गया आप स्किल्ड हो गए इसका उपयोग नहीं करें तो किसी मतलब का तो है ही नहीं। जब आप स्किल का उपयोग जाके मार्केट में करेंगे, जब लोगों से बात करेंगे, जब बिजनेस प्लान देंगे, जो एसटीपी देखिए ये सारी बात जो मैं बात कर रहा हूं कि डेली पे आउट आएगा कहां से, एसटीपी। हर चीज का एक ही क्रक्स है, शो द प्लान। जब 3 से 5 शो द प्लान होने लग गए तो 2 से 3-4 ज्वाइनिंग आने लग गई, पेयर बनने लग गई, पैसा आने लग गया। सारा खेल आके कहां पे रुकेगा, शो द प्लान। जितने ज्यादा आपके शो द प्लान होंगे उतने ज्यादा आपके पास डेली इनकम आएगी, और डेली इनकम आएगी तो दो चीजें होंगी दोस्त, एक बीइंग अ लीडर ये आपको चारों तरफ एक्सपांड होने का मौका देगी, एंड बीइंग अ बिगिनर बाहर नहीं होने देगी, कभी बाहर नहीं होने देगी, क्योंकि इतिहास गवाह है नेटवर्किंग के सिस्टम से जो व्यक्ति बाहर हुआ उसके पैसे एक लौता कारण है ना, पैसे आना बंद हो गए, और जब पैसे आना बंद हो गए तो आपने ऑप्शन ढूंढना चालू कर दिए, और पैसे आना इसलिए बंद हो गए क्योंकि आपको डर सताने लग गया, और डर इसलिए सता रहा था क्योंकि आप बाहर नहीं निकल रहे थे, लोगों से मिल नहीं रहे थे, और लोगों से मिल इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि पैसे थे ही नहीं निकलने के। तो आप ये जो हम पहले 6 महीने आपसे मांग रहे हैं, ये जो 6 महीने की आपसे बात हो रही है, शुरू के 6 महीने देना ही पड़ेंगे। मैं आपको मेरी कहानी बताता हूं, चलिए यहां से कवर करता हूं। मैंने जो पहली बार नेटवर्किंग करी तो उससे पहले मैं मैक्स वर्क लाइफ कंपनी में काम करता था, तो रितेश मेरे मित्र हैं, मैम भी जानते हैं, काफी लोग उनको जानते हैं। रितेश ने जब मुझे पहली बार बिजनेस प्लान दिया तो उससे मुझसे बोला, ये बात है 2008 की, तो उससे जब मुझे बिजनेस प्लान दिया तो हम लोग ऐसे ही बैठे थे, मैंने सैलरी दिखाई, 2008 में मेरी सैलरी कुछ थी 80,000 रुपए और इंसेंटिव वगैरह से मिला के कुछ 1.5-2 लाख रुपए मिलते थे, कंटिन्यूअसली मिलते थे। तो रितेश ने जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये आदमी भी कभी मुझे
ज्वाइन करेगा। तो रितेश ने मुझे उठा के ऐसे ही, ये बेटी मेरी अप्लाई जिज्जी, ये जिज्जी की तरफ डाल दिया। बोले ये तो ही संभाल, क्योंकि रितेश को 100% उम्मीद थी कि ये व्यक्ति नेटवर्किंग तो नहीं करेगा। बट मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि मैं मैक्स नॉक लाइफ में टॉप पे था, मैं पहली डे टॉप कर रहा था, और उसके पहले अविमा में था तो भी नियर टॉप था, उसके पहले में जब खुद का बिजनेस कर रहा था HDFC का तो पेन इंडिया टॉप था, उसके पहले में उसके साथ जब जी कंट्री वाइड बहुत पुरानी कंपनी है फाइनेंशियल, तो मैं पेन इंडिया टॉप चल रहा था। तो मुझे ये लग रहा था कि ये मैं 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूं, रितेश ने मुझे 29 लाख का चेक बताया। मुझे ये लगा कि मैंने, अपन जब इतनी तगड़े सेल्स में हैं तो यहां तो और फोर्ट डालेंगे, यहां तो 29 ही कमा डालेंगे। और मैंने स्टेप ले लिया, मैंने नौकरी छोड़ दी और सीधे नौकरी छोड़ के पहले 250 रुपए के चेक के लिए नेटवर्किंग ज्वाइन कर ली। अब मेरा भ्रम कब टूटा, जब मैंने इस बिजनेस में एंट्री ली, बातें करना चालू करी, और चूंकि मैं तब भी ट्रेनिंग दे रहा था, बात कर रहा था, इतनी बड़ी टीम थी, और मेरी तो सबसे बड़ी ताकत ही रिक्रूटमेंट थी। फ्रॉम डे वन मेरी ताकत ही रिक्रूटमेंट रही है, मेरे हर तरह के प्रमोशन ही मैंने रिक्रूटमेंट पे लिए हैं। तो जब पहले 2 महीने मैंने पूरी ताकत लगाए काम करा, फिर भी जब उस पोजिशन पे नहीं पहुंच पाया जिस पे कि मैं कभी हुआ करता था, या जिस पोजिशन को मैं आसानी से अचीव कर लेता बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में, तब मैं जाके जब थोड़ी सी स्टडी करी, थोड़ी सी गहराई में गया, तो मुझे एक पॉइंट समझ में आया कि ये दुनिया के हर नेटवर्कर के साथ हो रहा है। पहले 6 महीने में बड़ी सक्सेस मिलती नहीं है, पहले 6 महीने में सिर्फ टीम बनती है, पहले 6 महीने में सिर्फ एरिया बनते हैं। एरिया बनते, मेरा मतलब कि जब मैंने नेटवर्किंग चालू करी थी तो इंदौर से चालू करी थी, पहले 6 महीने में समझ में आया आगर, पहले 6 महीने में समझ में आया जम्बोड़ी, ये एयरपोर्ट के आगे आता है, पहले 6 महीने में समझ में आया आपका उमरिया, उमरिया खुर्द ठाकुरों का गांव है देवगुराड़िया के आगे, पहले 6 महीने में समझ में आया कि सिर्फ पहले 6 महीने में आसपास की छोटी छोटी जगहें बनती हैं, और आपके पास पैसा कम आता, एक्सपेंसेस ज्यादा होते। मेरे पास तो बैकअप पड़ा था, क्योंकि सालों का बैकअप था तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो वो लगाते रहा। 6 महीने बाद ये कंडीशन समझ में आई कि पैसा डबल होना ट्रिपल होना चालू हुआ, जो बाकी सब लोगों ने 2 साल में अचीव करा मैंने 11 महीने में करा। लेकिन पहले 6 महीने वही हुआ मेरे साथ जो सबके साथ हुआ, कि पहले 6 महीने सिर्फ इंडस्ट्री ने एक ही बात मांगी, टिक जाओ। यदि टिक गए पहले 6 महीने में तो आपके पास अगला पैसा बड़ा आता रहेगा। इसलिए जब मैंने बिजनेस प्लान बनाया तो मैंने इसमें डेली पे आउट डाला, मैंने, मेरे पास तो बैकअप था, किस किसके पास बैकअप होगा जो आएगा, कौन होगा जो 1.5 लाख रुपए पर मंथ या 2 लाख रुपए की इनकम छोड़ के नेटवर्किंग आएगा। उस वक्त तो पैसा छोटा था, आज थोड़ा बड़ा है, लेकिन हमने इसमें जानबूझ के डेली पे आउट डाला। ये डेली पे आउट जब हम लोग, अभी तो ये विपिन गुप्ता साहब तो 3 प्लान पर डे की बात कर रहे हैं, हमने 11-11 प्लान पर डे सुबह से लेकर रात तक का कोई भरोसा ही नहीं होता था। कई बार ऐसा हुआ है, मैं, हमारे साथ एक अग्रवाल साहब थे, तो जो उसके रितेश के साले वो जया जी पुत्र है, वो यदि गलती से मेरे पास आगर जाते थे, क्योंकि मैं हफ्ते में 2 बार आगर जाता ही जाता था, बुधवार और शनिवार, जहां मुझे कोई नहीं पहचानता था और मेरी सबसे बड़ी टीम वहां पे थी, तो यदि अग्रवाल साहब मेरे साथ गए हैं तो उन्हें पता है कि जब तक काम खत्म नहीं होगा ना खाना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जब तक हमने 10 ID हाथ में नहीं उठाई तब तक मैंने कभी ना उन्हें खाने दिया ना खाया। अब इसके पीछे भी मेरा एक नेचर था, मैं जब पहली बार मैक्स में गया तो मैंने मेरे जो HR था उससे सिर्फ एक बात पूछी, मतलब प्रमोशन का क्राइटेरिया बताओ। मेरी आदत है सर, यदि मुझे किसी ने टारगेट बता दिया तो मेरे लिए कहानी खत्म हो गई, वहीं मैं स्टॉप हो जाता हूं। तो उसने बोला कि जी इतने आप रिक्रूटमेंट कर दोगे तो हम आपको प्रमोशन दे देंगे। मैंने उससे ज्यादा रिक्रूटमेंट 3 महीने में करे, और वो ही चीज जो है, जब नेटवर्किंग आई तो पहली कंपनी की इतनी मैचिंग हो जाएगी तो पर इतना पैसा आ जाएगा, तो हमने तय कर लिया कि अब इतनी आएगी नहीं तो अपन हिलेंगे ही नहीं। 10 पेयर रोज नहीं आई तो खाना ही नहीं खाया। हमारे यहां 10 की कैपिंग है, 3,600 रुपए पर डे, वो भी पूरी टीम से 10 पेयर। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप इस पे ब्लॉकिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। आप बेसिक ट्रेनिंग में बैठे हैं, बेसिक ट्रेनिंग का पहला मकसद है बेसिक पैसा। अरे बेसिक ट्रेनिंग तो ठीक है ले ली, लेकिन बेसिक ट्रेनिंग ले किस ले रहे हो? बेसिक ट्रेनिंग चाहिए बेसिक पैसे के लिए,
जो पैसा मंथली आपका पैसा सेविंग है, आपका बेसिक पैसा है डेली पे आउट। सर मेरा यह क्वेश्चन है एज अ लीडर मैं पूछना चाह रहा हूँ, तो हमें किस तरह प्लानिंग अपनी बनानी चाहिए कि हम डेली पे आउट निकाल पाए? Yes. हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है। देखिए आपकी जो प्लानिंग है ना, सबसे पहले तो आप नए लोगों को समझ लें, नए लोग जितने भी हैं आप खुद भी समझ लें और अपने नए लोगों भी समझा दें कि ना सुनना भी पड़ेगी, इसके बिना काम नहीं होगा। दूसरा बिजनेस प्लान एसटीपी। जब मैं लगातार दूसरी कंपनी में वर्किंग कर रहा था तो एक सर्टन टाइम पे आके मेरा पैसा रुका, मतलब स्टेबल हो गया, मैं उससे ऊपर कमा ही नहीं रहा था। तो जब मैं उससे ऊपर नहीं कमा रहा तो फिर से मैं मेरे सीनियर के साथ बैठा, मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम, मैं इसके ऊपर पैसा क्यों नहीं कमा रहा हूं? तो मुझे पहली बात निष्कर्ष समझ में आई कि सारे काम सीनियर के साथ हो रहे हैं, अकेले नहीं हो रहे हैं। तो मुझे एक पॉइंट समझ में आ गया कि अकेले होना पड़ेगा। मैंने अकेले होना चालू करा सर। जो स्किल मैं सीनियर के साथ समझ रहा था, अब मैंने अकेले उसको अपने आप पर डेवलप करके करना चालू कर दी। क्योंकि मैं दुनिया में एक चीज मानता हूं, माता का, पिता का और प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं होता। कोई विकल्प नहीं होता। बहन का विकल्प दूसरी बहन हो सकती है, भाई का विकल्प दूसरा भाई हो सकता है, मामा का विकल्प मामा हो सकता है, नौकरी का विकल्प नौकरी हो सकता है, बिजनेस का विकल्प बिजनेस होता है, और पत्नी का भी विकल्प दूसरी पत्नी हो सकती है, पति का विकल्प दूसरा पति हो सकता है, कार का विकल्प दूसरी कार हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिस का और माता पिता का कोई विकल्प नहीं होता है। तो मैंने प्रैक्टिस करना चालू किया। वो जो सारे काम मेरा सीनियर मुझसे करवाता था वो सारी प्रैक्टिस मैंने करके अपने आप को डेवलप करा। तो मैंने स्किल डेवलप करी बिजनेस प्लान देने की। फिर जब प्रोडक्ट की बात आई तो प्रोडक्ट में भी यही चीज आई। जब हमने प्रोडक्ट की बात करी तो सीनियर जब तक समझाते थे तब तक हम प्रोडक्ट समझा देते थे वैसे की वैसे ही। लेकिन फिर मुझे एक अंतर मेरे में समझ में आया और सीनियर में समझ में आया कि जिस तरह से मैं प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं सीनियर उससे ज्यादा बेहतर तरीके से कर रहा है। तो फिर मैं बैठा, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि जी आप जो मैं बता रहा हूं उसको सुन के एक्सप्लेन कर रहे हो और मैं यूज करके कर रहा हूं। बोले ये कौन सी बात हो गई, आप भी तो यूज करके मुझे वही बता रहे हो जो आपने। बोले हां लेकिन मैं यूज करके आपको जो बता रहा हूं आप उसे सुन के लोगों को बता रहे हो। तो मतलब आप जैसे एलोवेरा की बात कर रहे हैं तो उन्होंने बोला इसमें लेकिन मैंने बोला चालू कर लेकिन अपने होते हैं, लेकिन जैसे यूज करना चालू करा तो ये पता चला इसमें लिग्निन से पुनी बोलो मत बोलो, इसमें ये बोल दो भाई सब पेट हल्का हो जाता है, हल्कापन लगता है, एनर्जी आ जाती है, उबासी लेके दिखाओ स्फूर्ति बढ़ जाती है ये प्रोडक्ट। मुझे तब दूसरी बात समझ में आई कि जितना आप सीख के सुन के बोलोगे उससे ज्यादा ताकत है यूज करके बोलोगे। सर 30 सेकंड का समय जी, हमारे बीच मेडिकल बैकग्राउंड से दो लोग हैं, सर शेयर करना चाहोगे? हाँ जी। एलोवेरा यूज कर लोगे तो क्या हो जाएगा सर? हाँ जी हाँ जी सर, एलोवेरा के बारे में बताऊंगा जी। सर प्लीज सर, हम बेबी प्लानिंग कर रहे थे 8 महीने से जी। क्या तो ऐसा हुआ कि कुछ नहीं हुआ, मैडम को मैंने आज से 1.5 महीना पहले एलोवेरा चालू करवाया, तो समझ को जब से एलोवेरा चालू किया है तो अभी हमको 4 दिन पहले पता चला कि खुशखबरी लेकिन एक चीज मैं पूछ रहा था बार बार कि इस पे पहले रिसर्च हो चुकी है कि या नहीं, कि जी 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 लिखा हुआ क्यों नहीं? हाँ ये एलोवेरा ये मैडम के हाथ पे इन्फेक्शन हो गया था, फंगल इन्फेक्शन पूरा डर, तो पहले डॉक्टर से इलाज करवा रहा था तो इनके हाथ में चांदी की रिंग है जो पूरी ब्लैक हो गई थी, है ना, तो इसको निकलवाई। जब से एलोवेरा यूज कर रहे हैं ये मतलब पूरा हाथ उनका क्लीन है। क्या बात है। मेरा पर्पस यहां पूछवाने का क्या था, जो सर कह रहे जब आप यूज करेंगे तो, अभी सर मुझे ये बता रहे थे इन्होंने किस्सा बताया और बोला सर मेरे घर में 10 लीटर एलोवेरा 10 बॉटल में यूं बेच देता हूं, खोल के बेच देता हूं मैं एलोवेरा को। क्यों बेच पा रहे? क्योंकि उन्होंने एलोवेरा को फील कर लिया। कहानी तो अब ये कहानी आपने सुन ली
आप बेच के दिखा दो चलो। हाँ सेम कहानी से बेच के दो, सेम कहानी से बेच के दिखाओ। लेकिन तो तब भी है, लेकिन आप बेच नहीं पाओगे क्योंकि आपने महसूस नहीं। और एक बड़ी बात बताओ, अभी तक तो हमने हिप्पो हाउस बना था तो हिप्पो बेबी बना दिया। नहीं तो मैंने बोला भी कि अगर लड़की हुई तो उसका नाम लेकिन मैं ये जानता हूँ जिंदगी भर ये बात भूल नहीं पाएंगे। जिंदगी भर ये बात नहीं भूल सकते, जिंदगी में बहुत खुशियां आएंगी लेकिन ये खुशी इनकी हर खुशी के साथ जुड़ी होगी और हर बार ये व्याख्या निकल के आएगा ही आएगा कि ऐसा हमें बेनिफिट मिला उस प्रोडक्ट की वजह से, उस कंपनी की वजह से, और वो यूज करने की वजह से ताकत हुई। ये जो यूज करने की ताकत थी उसने ये चीज दिलवाई। लेकिन जब मैं इस तरह से काम कर रहा था, फिर मैंने प्रोडक्ट के बारे में सीखा, बिजनेस प्लान के बारे में सीखा, एक एक प्रोडक्ट को यूज करा और उनका नॉलेज देना चालू करा, तो मेरा थोड़ा पैसा बढ़ा। लेकिन फिर थोड़े दिन बाद यह हुआ, मेरी टीम साइज नहीं बढ़ रही थी, मेरी एक सर्टन इनकम बढ़ना चालू हो गई लेकिन टीम एक्सपांड नहीं हो रही थी। तो मुझे लगा फिर से कुछ लोचा हो रहा है, मैं फिर से किताबें पढ़ी, सीनियर के साथ बैठा। पूछना चाह रहा हूं, हां सर, आप इस हिप्पो कॉर्पोरेशन की शोले के ना हाँ। सांबा हो जो पहाड़ पर बैठा हुआ। हाँ जी, हम तो नीचे का ही देख पाते हैं लेकिन आप क्या देख पा रहे हो ऊपर। तो आप सब लीडर्स की वर्किंग भी देखते हो सर जी। कुछ तीन पॉइंट मुझे ऐसे बताइए जहां आपको कमी में या कहीं पे आप करेक्शन चाह रहे हो कि हम कहीं कमी छोड़ रहे हैं, कहीं गलती कर रहे हैं, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? आप गब्बर बन के पूछो कितने आदमी तो सांबा हो गई जनता हो गई तो गब्बर भी तो है कोई। अच्छा मैं बसंती के बारे में बोलूंगा नहीं और उसको यहाँ नच रहे नहीं। आप जैसे कि आप क्या हो ना, हीरो तो हम है ना। अभी तो मैं सांबा था। चलिए फिर ये जो पॉइंट सर ने बोला ना, जब मेरे साथ ये चीज हुई तो मैंने ये सोचा कि पैसा तो बढ़ रहा है, टीम एक्सपांशन क्यों नहीं हो रही, टीम बड़ी क्यों नहीं हो रही। तो अगेन बुक पढ़ी, सीनियर के साथ बैठे। देखिए सीधी सी बात है, उससे बात कर लो जिसने पहले ये चीज कर रखी और उसकी सुनने के बाद अपना दिमाग मत लगाओ, क्योंकि यदि आपके दिमाग में होती तो आप कर रहे होते, दूसरे की सुन नहीं रहे होते। मेरे पॉइंट को समझिए, पहली बात तो आप एक्सपर्ट की सलाह लेने जा रहे हैं, तो आप लेने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपकी नजरों में क्या है, एक्सपर्ट। और एक्सपर्ट की सलाह लेने के बाद भी आप अपना दिमाग लगा रहे हो तो फिर क्या कहेंगे? क्योंकि आपके दिमाग में उतनी क्षमता होती तो आप उस लेवल पे पहुंच चुके होते हैं, आपको एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं होती। तो जब मैं एक्सपर्ट के पास गया, मतलब जी पैसा आ रहा है लेकिन टीम एक्सपांड क्यों नहीं हो रही, तो उन्होंने दो बात बोली, आपकी टीम के कितने लोग हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग और हर सेमिनार बैठ रहे हैं। मतलब जी ये तो कमजोरी, अपने तो बैठ ही नहीं रहे। मतलब मेरा तो एक व्यक्ति भी ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में नहीं होता, ये गिने चुने लोग होते हैं। तो उसने पहला पॉइंट मार्क करके दे दिया कि जिंदगी में कभी टीम बन ही नहीं पाएगी, या बनेगी तो बिगड़ेगी, बनेगी बिगड़ेगी, बनेगी बिगड़ेगी, आप इसी कैलकुलेशन में जिंदगी भर घूमते रहोगे, बड़ी नहीं हो पाएगी। तो एक पॉइंट ये समझ में आ गया कि नेटवर्किंग में यदि आपको पैसे कमाना है तो पहले तो 6 महीने ये समझ लो कि पैसे बड़े नहीं आते और 6 महीने लगे रहना पड़ेगा। दूसरी बात ये समझ में आई कि जब तक आप सीनियर का सहारा लोगे थोड़े थोड़े पैसे आते रहेंगे, खुद सीखना चालू करो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तीसरा समझ में आए कि प्रोडक्ट यूज करने पे प्रोडक्ट का नॉलेज ज्यादा अच्छे से आता कंपेरेटिवली सीखने से। और चौथा ये समझ में आया कि यदि टीम साइज बढ़ाना है तो एवरी मीटिंग ट्रेनिंग में आपके लोग होने ही चाहिए, इसके अलावा दूसरा तरीका नहीं है। फिर जब ट्रेनिंग मीटिंग में हमने लेना चालू करी, लोगों को बिठाना चालू करा, तो एक प्रॉब्लम और समझ में आई सामने, ट्रेनिंग मीटिंग में लोग बैठ रहे हैं, हर ट्रेनिंग में लोग बैठ रहे हैं, हर मीटिंग में लोग बैठ रहे हैं, हर सेमिनार में लोग बैठ रहे हैं, लेकिन धंधा बढ़ नहीं रहा। लोग बैठ रहे हैं, संख्या मैच हो रही है लेकिन धंधा नहीं बढ़ रहा। फिर से एक्सपर्ट के पास पूछा, फिर से सलाह पे बात करी, अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कितनी शानदार बात बोली, बोले बेसिकली अब एक गड़बड़ ये हो रही है कि आपने ट्रेनिंग लेना चालू करी, मीटिंग लेना चालू करी, सेमिनार लेना चालू करी, या सेमिनार में, ट्रेनिंग में, मीटिंग में लोगों को बिठाना चालू करा, लेकिन इसको आपने काम समझ लिया। आपका काम तो ये था ही नहीं, आपका काम तो प्रोडक्ट बेचना था, आपका काम तो बिजनेस प्लान देना था, आपका काम तो ज्वाइनिंग लेना था। अब आप ये समझ रहे हो कि जब मेरी ट्रेनिंग में 20 लोगों को बिठाया, मेरी ट्रेनिंग थी, ऊपर अटके चले गए, मेरा काम हो गया। नहीं, आपका काम नहीं हुआ, वो 20 लोगों को ट्रेनिंग देना आपका काम थोड़ी था। उन 20 लोगों को जो ट्रेनिंग थी उससे क्या हुआ वो सोचना आपका काम था, कि जब मैं 50 लोगों को मीटिंग करके आया तो उसके बाद वो 50 ही रह गए, 51 भी नहीं हुए।
तो फिर मैंने करा क्या, मैं सिर्फ मीटिंग लेके आ गया ये लिखने के लिए कि आज एक मीटिंग और भी आपका पर्पस छोड़ गया। आपने उस 50 लोगों की ट्रेनिंग लेने के बाद ये नहीं देखा कि वो 50 लोग जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली उसके बाद उन्होंने करा क्या, मैंने फॉलोअप नहीं लिया, ये गड़बड़ करी। मैंने फॉलोअप छोड़ दिया के साथ साथ ये नहीं देखा कि वो 50 लोगों की जो ट्रेनिंग करी उसमें से कितने 5 लोग स्किल्ड होकर बाहर निकले गया, फिर क्या उन 5 लोगों के पास वापस बैठा। मैंने महीने में 5-5, 6-6 ट्रेनिंग करना चालू कर दी लेकिन उन ट्रेनिंग के आउटपुट के बारे में सोचना बंद कर दिया। तो हर मीटिंग में लोग थे क्योंकि ट्रेनिंग लगातार हो रही थी, मजा आ रहा था। हर सेमिनार में लोग थे क्योंकि अच्छा लग रहा था। हर ट्रेनिंग में, मीटिंग में, सेमिनार में थे लेकिन धंधा अब तक उतना ही था क्योंकि स्किल्ड लोग पहले भी उतने थे, बाद में भी उतने थे और उसके बाद भी उतने थे। तो लास्ट टाइम सर ने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया था, PRTS। तो मुझे एक बात समझ में आई कि जब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, सेमिनार ले रहे हैं तो उसमें से BRTS यदि नहीं हो रहा है तो कुछ भी नहीं हो रहा है। BRTS से मतलब है B, बिजनेस बढ़ना चाहिए, या फिर R, रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, या फिर T, टीम साइज बढ़ना चाहिए, या फिर S, स्किल्ड लोग निकलना चाहिए। यदि ये चारों नहीं हो रहा है तो लिए जाओ जितनी मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार लेना है, तो लगातार मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार लेते हो। तो अभी जो आप बात बोल रहे थे कि आप सबको देख रहे हो, तो मैं देख रहा हूं सर कि मीटिंग में लोग हैं, ट्रेनिंग में लोग हैं, सेमिनार में लोग हैं, जिनके नहीं है वो तो तय कर लें कि कुछ नहीं होगा, और जो नए हैं वो एक गिठान मार लें कि अगले एक महीने तक अपने सीनियर से रोज जूम पे या रोज गूगल पे रोज रोज बिजनेस प्लान समझाएं एक महीने तक, और एक बेसिक फंडा नए व्यक्ति के लिए या आप जिस नए व्यक्ति को ज्वाइन करवा रहे हैं उसके लिए ब्लॉक कर दीजिए अगले 3 महीने ज्वाइनिंग के, कोई भी मीटिंग, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी सेमिनार नहीं छूटेगा। उसमें 10,000 का बजट अलग रखवा दीजिए कि 10,000 रुपए का खर्चा, और जो व्यक्ति आपके साथ इस कमिटमेंट के साथ नहीं आ रहा है लिख लीजिए टिकेगा नहीं, वो बाहर हो जाएगा। आपको लोग आते जाते दिखेंगे, रुकते नहीं दिखेंगे, आते जाते दिखेंगे, रुकते नहीं दिखेंगे। आपको लगेगा कि रोज आ रहे हैं लेकिन रोज जा भी रहे। आपको कमिटमेंट लेना पड़ेगा कि आप 3 महीने लगातार कोई भी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार नहीं छोड़ेंगे, और 10,000 रुपए का मात्र बजट किस चीज के लिए रखेंगे, सिर्फ ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार के लिए। लेकिन हमारे यहां तो इसका भी प्लस पॉइंट है, डेली पे आउट कमाओ ना। आप किसी व्यक्ति को लेके आए या आप स्वयं आए हैं तो आपका और मेरा, देखिए यहां बैठे इन 250 लोगों का एक ही पर्पस है सबसे पहला, और वो क्या है, रोकड़ा, पैसे कमाना। तो जिस पर्पस से आप आए हो या जिस पर्पस से आपने किसी को लाया है, यदि वही चीज नहीं हो रही, यानी कि ज्वाइनिंग यदि वही चीज नहीं हो रही, डेली पे आउट यदि वही STP नहीं हो रही है, तो फिर ये सारी कहानी थी। क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे 20 लोग ट्रेनिंग में आए, तो मेरे 20 लोग ट्रेनिंग में, उनको ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगी, अगली ट्रेनिंग में फिर 20 होंगे लेकिन 20 ही होंगे। यदि मैंने यहां से जाने के बाद उनके साथ या तो इसके बाद नहीं बैठा, या यदि मैंने यहां पे भाई बेसिक ट्रेनिंग हो रही है, हम बता क्या रहे, STP, शो द प्लान, बिजनेस की बात करो, बिजनेस प्लान सीखो, और आपके बंदे ने जाने के बाद भी अगले 4 दिन बिजनेस प्लान नहीं करा और ना आपने पूछा, तो फिर ट्रेनिंग आई गई थी। कि आप उससे फॉलो अप करना भूल जा रहे हैं, फॉलो अप मिस कर रहे हैं, और या फिर इससे बेस्ट वे है, आपने जिसको ये बता दिया कि रोज STP करनी पड़ेगी और आपको पता है कि उसको बिजनेस प्लान नहीं आता, तो आज आपकी ट्रेनिंग खत्म हुई है, अगले 2 दिन में उसकी सिटी पे, उसके घर पे, उसके पास पहुंच जाइए और उसके साथ बिजनेस प्लान देना चालू कर दीजिए। और ये भी चेक करें, बिजनेस प्लान जब उसको सिखाने बैठे तो किसी रजिस्टर पे, किसी कॉपी पे ना सिखाए उसको, उसके पास में राइटिंग पैड है कि नहीं है कंपनी का, ये चेक करना भी जरूरी है। और उस राइटिंग पैड पर ही एक एक स्टेप को सिखाए उसकी, क्योंकि ये डुप्लीकेशन जब होगा और वो मार्केट में जाएगा प्लान दिखाने, तो वो बिजनेस प्लान राइटिंग पैड पर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक और चीज करिए, देखिए मैंने ना जब आगर में हमने काम चालू करा था, कोई भी पहचान का नहीं था। कई बार हमारे साथ एक
गड़बड़ होती है, हम ये सोचते हैं। जब हम आगरा में गए तो मुझे पहली बार नितिन अग्रवाल मिला। नितिन अग्रवाल का ऑलरेडी एक मेडिकल शॉप है, वो हमसे मिला। उसने पहली कंडीशन क्या रखी, भाई साहब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपको लोगों से मिलवा दूंगा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। हम कई बार इस बात में व्यक्ति को रिजेक्ट कर देते हैं कि तू नहीं जाएगा तो भैया हमें क्या, मैं फिर क्या अकेले घूमूंगा। मैंने तुरंत उससे बोला कि हाँ दे दो, क्योंकि मेरे लिए नई जगह थी। मैं तो आगर में वैसे किसी को नहीं जानता था। मेरे को ये कंफर्म हो गया था कि नितिन अगले 3 महीने में गायब हो जाएगा, लेकिन नितिन ओपी जैन दे गया। नितिन मुझे शाजापुर का सबसे बड़ा आदमी दे गया। नितिन मुझे शाजापुर के कलेक्टर के यहां काम करने वाला रवि दे गया। नितिन मुझे इनकी शर्मा दे गया। वो नितिन से मुझे जो 5 लोग चाहिए था ना, मैंने नितिन को पहले दिन यहां कर दी। जब मुझे पता है मेरे पास और कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, जब मुझे पता है कि मेरे को टीम एक्सपांड ही करनी है, तो फिर मैं उस व्यक्ति का वेट क्या कर रहा हूं कि जो मेरे साथ फील्ड में जाए। अभी तो मुझे लोग चाहिए कहीं से भी आए। उसने जैसे ही बोला कि मैं नहीं जाऊंगा लेकिन आपको रेफरेंस दे दूंगा, तो जिस शहर में मैं एक व्यक्ति को नहीं जानता था, मुझे रेफरेंस तो मिल गए, मुझे बात करने का एक मौका मिल गया कि भाई साहब नितिन जी ने बोला है। और उसने कुछ नहीं करा, मेडिकल शॉप पे लाला के बिठा दिया। प्लान सारे मैंने दिए, आज तक उस आदमी ने एक प्लान नहीं दिया होगा, जबकि मुझे छोड़े हुए भी उस चीज को 10 साल से ऊपर हो गए, एक प्लान उसने नहीं दिया। और मैंने जिंदगी में उसको ये भी नहीं बोला कि मैं जो बैठ के प्लान दे रहा हूं तेरे घर में 3 लाख आए, मैंने बोला ही नहीं कभी, क्योंकि मेरे पास 30 आए। मैंने ये बात जिंदगी में उस नितिन को नहीं बोली कि तूने एक बिजनेस प्लान भी नहीं दिया, तेरी पूरी टीम मैंने खड़ी करी है और तेरे पास 3 लाख आए, 30,000 लगा दे। मेरे पास 30 आए थे, उसके पास तो 3 ही आए थे। मैं वैसे भी अपने 30 के लिए गया था, उसके 3 के लिए नहीं गया था। अच्छा, मेरा क्या ये थॉट प्रोसेस भी चैलेंज है सर? यस सर, 100%। हमें ये डर, अरे यार ये तो इनएक्टिव है, ये तो कर नहीं रहा, फिर किसके यहां 20,000 जा रहे हैं मेरे करने से सर, और मुझे इसके 20,000 रोकने हैं। मैं इसीलिए उसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि मैं गया ही मेरे 30 लाख के लिए था, उसके 3 लाख के लिए गया ही नहीं था। तो मेरी ना नजर में उसके 3 लाख थे, ना मेरी सोच में उसके 3 लाख थे, ना मेरी किसी बात में उसके 3 लाख थे। मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके पास 3 आ रहे कि नहीं, मुझे इस बात से फर्क पड़ रहा था कि इसके द्वारा दिए हुए लोगों से रोज मेरे पास 4-5 हजार रुपए आ रहे। और जब उसने मना करा कि मैं नहीं निकलूंगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे तो लोग चाहिए थे। अभी वो कहीं से भी मिले, मुझे जैसे उसने लोग दिए मैंने उनके साथ काम करना चालू करा। उसने भी छोड़ दिया, तीसरी लेयर मिली, मैंने तीसरी के साथ काम करना चालू करा। तीसरी लेयर छूटी, मैंने चौथी के साथ काम करना चालू करा। लेकिन एक लेयर हाथ में आ गई और कहा गया अमित ये सामने खड़ा हुआ है, ये अच्छे से जानता है। जब मैं आगर गया था तो मेरे एक साइड पे, उस समय भी बैनरी प्लान था, एक साइड पे हमारे थे 2200 लोग और मेरे पास थे 47, और मैंने 3 महीने में इस तरफ कर दिया 3100 और ये 2700 ही हो पाए थे। हमने 3100 खड़ा कर दिए थे, चौथी लेयर पर। क्या बात है, क्या बात है। पर्पस एक था कि जब ये बिजनेस का निर्णय ले ही लिया है तो करके तो रहेंगे, ये गवाह इस बात की कि जब ये ही लिया निर्णय तो करके रहेंगे। अब वो जाए या ना जाए, वो निकले या ना निकले, मेरे को मेरे घर में पैसे चाहिए, मेरे को इस धंधे से पैसे चाहिए, मेरे को हर काम पे पैसे चाहिए। तो मैंने पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इसके घर में पैसा, इन सब बात को रखा दूर, अपने घर में कितना आ रहा है इस पर करा फोकस। मेरे हर उस स्टेप से जिससे मेरे घर पे पैसे आ सकते थे, मैंने इस बात पे फोकस करा, ना कि इस बात पे कि इसके पास पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ये धंधे में लगाएगा कि नहीं लगाएगा, ये तो घर से निकलेगा ही नहीं, ये दुकान बंद नहीं करेगा, फॉरगेट अबाउट। मेरे को एक ओपी मिल गया, ओपी जैन, और मैंने पूरे जिले में तबाही मचा दी, पूरे जिले में तबाही मचा दी। लेकिन उसकी शुरुआत बताता हूं, पहले 4 बार क्या हुआ था। मैंने तय कर दिया था, मैंने उन लोग को बोलते थे कि मैं हर बुधवार को और हर शनिवार को, और ये बात है सर दिसंबर नवंबर की, हर बुधवार और हर शनिवार को सुबह 8 बजे पहुंच जाऊंगा आगर। और रितेश जो कि मेरे अपलाइन थे उस वक्त, उनके पास भी कार नहीं थी लेकिन मेरे पास कार थी, तो उन्होंने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, मैंने सीनियर की बात मानी, बोले यार कार लेके मत जाना, कार अचीवमेंट पे दिखाएंगे। मिला जी ठीक है। 5 बजे सुबह, ठंड दिसंबर, विजयनगर चौराहे से कोटा ट्रांसपोर्ट की बस 7:30 बजे उतारती थी आगर। उन्हें एक बात चौथे हफ्ते पता लग गई थी कि हम अपने बिस्तर से उठे नहीं उठे, ये 8 बजे आके खड़ा हो जाएगा। पहले 4 हफ्ते ऐसा हुआ है कि मैं वहां पहुंच जाता था, वो उसकी नींद भी नहीं खुलती थी उनकी। मैं सुबह 8 बजे वहां पहुंच जाता था और उनकी नींद भी नहीं खुलती थी। लेकिन दूसरे हफ्ते से चौथे राउंड में उनको ये समझ में आने लग गया कि ये तो बुधवार और शनिवार आएगा ही आएगा, कोई रिस्पॉन्स दो
या मत दो। हम एक बार सर, कई बार मीटिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, हम एक बार एक गाँव में गए, वहां पे जैसे अभी बात हो रही है ना, मीटिंग रखी, कोई नहीं था, हम एक गाँव में गए, वहां पे मीटिंग रखी हमने, कुल मिला के चार लोग आए। तो लीडर ने बोला सर चार ही लोग आए। बोले ऐसे कैसे चार लोग आए? मैं एक एक व्यक्ति के घर में घुस गया। बोले भाई साहब हम इंदौर से आए और हम आपको कुछ बिजनेस प्लान बताना चाह रहे हैं जो कि आपके भविष्य के लिए अच्छा है। दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, किसी के घर में जाके बुलाओ तो कोई आगा कैसा नहीं। 25 लोग इकट्ठे हो गए अगले 15 मिनट बाद। क्या बात, क्योंकि मुझे उस बात से मतलब ही नहीं था कि वहां लोग इकट्ठे होंगे या नहीं होंगे। मुझे इस बात से मतलब था कि मैं आया हूं तो मैं मेरा पर्पस सॉल्व करके जाऊंगा। मेरा सारा फोकस मेरे ड्रीम पे था, जो अभी आप ड्रीम की बात। यस। मेरा सारा फोकस मेरे ड्रीम पे था, ना किसी के ड्रीम से था, ना किसी के जुड़ी हुई भावनाओं से था। मेरा मतलब मैं किसी भावना के हाथ की बात नहीं कर रहा हूं। वो नहीं करे, उसका ड्रीम कुछ और होगा। उसने जिस व्यक्ति ने मीटिंग खड़ी करी उसने चार ही लोग बुलाए, लेकिन मुझे तो 25 चाहिए थे ना। तो मैं एक-एक के घर में घुस गया कि मैं इंदौर से आया हूं, प्लीज मेरे पास मिलने आइए, मुझे आपसे 45 मिनट कुछ बात करनी है। चौपाल पे हमने लोग इकट्ठे कर लिए, प्लान दिया, कवरिंग चालू हो गई। तो हर वो काम करा जिससे मेरा ड्रीम फुलफिल हो रहा था, हर वो काम करा जिससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था कि दूसरे को इससे फर्क पड़ रहा है या नहीं। अपने मकसद के लिए सर, कई बार एक लाइन बोलते हैं कि आप दूसरों के लिए ज्वाइन, दूसरों के कहने पे तो ज्वाइन कर सकते हो, दूसरों के लिए नहीं कर सकते। मैंने करा तो रितेश के कहने पे था, लेकिन रितेश के लिए नहीं करा, करा अपने लिए था। तो मैंने पवन जी को, नितिन को ज्वाइन तो अपने करने पे गया था, लेकिन उनके लिए नहीं करा था ज्वाइन, मैंने उनको भी अपने लिए करवाया था। तो मैंने हर उस पॉइंट पे काम करा। तो जो आप बोल रहे सर, जब हम सेमिनार लेते हैं, जब मीटिंग में लोगों को बिठाते हैं, ट्रेनिंग में बिठाते हैं, तो सबसे पहले तो एक बार अपने पाल छाक के देख लीजिए आपके एसटीपी कितने हो रहे हैं। आप वो एक बहुत फेमस लाइन है गांधी जी को लेके और विवेकानंद साहब को लेके कि किसी ने बोला शक्कर छोड़ दो, तो पहले 8 दिन उन्होंने शक्कर नहीं खाई, फिर 9वें दिन बोली कि जब मैं नहीं छोड़ूंगा तो मैं बोल कैसे सकता हूं। तो मुझे बताइए एसटीपी का पूछेंगे कैसे? ये बड़ा चैलेंज है। आप अपनी टीम से एसटीपी शो द प्लान, आपने दिन में 5 करे कि नहीं करे, इसके बारे में पूछोगे कब? पहले लगातार जरा खुद 10 दिन कर लेता हूं। पहले 10 दिन लगातार, 10 दिन लगातार, मैं एवरेज 5 की बात कर रहा हूं। इस 5 में आपकी टीम का भी आ गया, आपका पर्सनल भी आ गया, कुछ भी आ गया, लेकिन जिस व्यक्ति के 5 शो द प्लान हो रहे हैं, आपको कितने लोगों को बिजनेस प्लान पूरा पता है? प्लीज हाथ खड़ा करें। जितने भी लोगों को बिजनेस प्लान पूरा पता है, मैं इस बिजनेस प्लान से मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 100 घटिया प्लान की बात कर रहा हूं, उसे भी दिन में 5 एसटीपी दी जाए तो एक ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये पॉइंट है। घटिया से घटिया दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट 5 लोगों को एक्सप्लेन कर जाए तो एक खरीद लेगा। चलिए एक एग्जांपल समझाता हूं। कई बार आप किसी जगह से निकलते हैं, किसी गली से गुजरते हैं, एक सेल्समैन आपको कुछ बेचना दिख जाता है और आप यहां तय कर लेते हैं कि ये मुझको बताने का, लेकिन मैं खरीदूंगा नहीं, और आप खरीद के जाते हैं। आप पहले तय कर चुके होते हैं कि मैं खरीदूंगा नहीं। वो जो भिखारी सड़क पे बैठा था ना, उसको पता कि 10 को मांगो तो 2 दे जाएंगे। दुनिया में वो प्रोडक्ट नहीं बना जिसको 5 को बताया जाए और 1 ना खरीदे। आपका बिजनेस प्लान कैसा था, आपका प्रोडक्ट कैसा भी हो, उसकी कीमत कितनी भी हो, उसकी कीमत कितनी भी कम हो, उसकी क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, उसकी क्वालिटी घटिया हो, हर प्रोडक्ट, क्या आपने कभी चौराहे के सिग्नल पे लोगों से सामान नहीं खरीदा? और हम में से सबको पता तीसरे यूज में टूट जाएगा, क्वालिटी भी तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन खरीदा। और उसे भी पता है कि 5 खिड़की को खटखटाऊंगा तो 1 तो, तो आपको कैसे नहीं पता कि 5 शोध प्लान में 1 ज्वाइन कर लेगा? और आपको कैसे नहीं पता कि 50 शोध प्लान हो गए तो रोज की 10 पेयर बनेगी? और आपको कैसे नहीं पता कि 10 लोगों को फील्ड में निकाल दूंगा तो रोज के 3600 और महीने के 1,05,000 सिर्फ इस बात पे आ जाएंगे क्या? और आप इसमें फोकस क्यों कर रहे हैं? आपका फोकस ना क्यों, ये आपकी नजर से आपको क्यों नहीं दिख पा रहा है? शोध प्लान, शोध प्लान। और ये जो शोध प्लान है ना, जो आपको डेली इनकम देता है, ये आपकी मंथली इनकम बनाएगा। ये मत सोचना कि आपकी डेली इनकम 1,08,000 रुकेगा, नहीं, ये आपकी मंथली इनकम बनाएगा, ये आपकी मंथली इनकम क्रिएट करेगा। इवन चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जितने नए लोग हैं जिनके पास मंथली पैसा बड़ा आया था, चलो उनका डेली पेआउट उसी महीने का उठा के देख लो, बड़ा था। आपको मंथली पेआउट भागने की ताकत ही उस डेली पेआउट में नहीं थी जिसकी वजह से आपका मंथली पेआउट बड़ा हुआ था।
तो जब तक आप डेली प्लान नहीं करेंगे, जब तक डेली पे आउट पैसा नहीं बनाएंगे, जब तक मंथली बड़ा पैसा नहीं आएगा, क्योंकि मंथली पैसे वाला शॉर्ट महीने में एक दो तीन बार लगता है, लेकिन डेली रोज बन सकता है। सिर्फ एक ही काम करना है और वो ये है कि रोज 10 लोगों को फील्ड में पहुंचना चाहिए, जो रोज सिर्फ कितने प्लान दे रहे हो, 5 शो द प्लान। अब यदि आपकी डाउनलाइन को लगता है उसको भी इतने लोग चाहिए, तो उसके पास भी ऐसे 10 लोग होना चाहिए जो रोज फील्ड में जाके क्या करें, शो द प्लान। और यही शो द प्लान के बाद, अच्छा एक चीज और समझिए, देखिए अभी हम एक संघर्ष करते हैं कि ये 850 रुपए का टिकट था तो मेरी टीम में 10 लोग बैठ पाए, बैठा तो 20 सकता था। चलिए मुझे एग्जाम्पल दीजिए, यदि आपकी टीम में उन्हीं सारे लोगों को डेली पे आउट आ रहा होता तो फर्क पड़ रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको किसी का टिकट लेना पड़ता है? आपको ये जो 9 तारीख का आ रहा है वो संघर्ष था क्या? हिट के लिए संघर्ष था क्या? मैं बोल रहा हूँ 10,000 रुपए किसी के बाहर निकलवा के रख दो, मैं बोल रहा हूँ 10,000 उससे कमवा भी दो। ये सारी आपकी जो मुसीबतें हैं ना, ये सारी चीजें डेली पे आउट खत्म कर देगा। आपके लोग भी ट्रेनिंग में होंगे, आपके लोग सेमिनार में होंगे, आपके लोग हर मीटिंग में होंगे, आपके लोग हर जगह पे होंगे, आपके लोग हर परिस्थिति में होंगे। सर अभी बात करें ड्रेस कोड, ड्रेस कोड, ड्रेस कोड, ड्रेस कोड, ड्रेस कोड, ड्रेस कोड, 10,000 रुपए, चलिए 10,000 छोड़िए, 5,000 रुपए का तो कम से कम एक सूट बनता है। सर मैं 5,000 लेके चल रहा हूं, मुझे बताइए जिसके पास डेली पे आउट 1,000 आ रहा है वो बनाने में सोचेगा क्या? तब आपको बोलना पड़ेगा ड्रेस कोड, ड्रेस कोड, ड्रेस कोड। तो आप ये जो अपनी टीम को ये समझा रहे हैं कि ड्रेस कोड, ड्रेस कोड, ड्रेस कोड में आए, अच्छा कर रहे हैं, इसकी जगह शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान बोलो, खुद खरीदेगा, उसे वो ताकत तो दो, हमने तो दे दी डेली पे आउट डाल के, आपने शो द प्लान करके दी कि नहीं दी? मतलब घर से निकलना मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सर बेसिकली हम आवर्स काउंट नहीं कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट के आवर्स कितने हैं? हम ऑफिस आए बैठे हैं, हमने क्या करा, हम प्रोडक्टिव आवर्स की काउंटिंग नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्टिव आवर्स मतलब जहां पे आपने किसी को बिजनेस प्लान दिया, प्रोडक्टिव आवर्स मतलब आपने टीम की जूम मीटिंग ले ली, प्रोडक्टिव आवर्स मतलब आपने कोई हाउस मीटिंग ली, प्रोडक्टिव आवर्स मतलब आप किसी बिजनेस प्लान पे गए, प्रोडक्टिव आवर्स मतलब आपने किसी को ट्रेनिंग दी, प्रोडक्टिव आवर्स मतलब आपने किसी को ट्रेनिंग अटेंड करी, प्रोडक्टिव आवर्स मतलब आपने कोई सेमिनार अटेंड कराया, सेमिनार दिया, या किसी एक प्रोडक्ट पे अपने किसी डाउनलाइन से बात करी। लिख के रख लीजिए, आपको 5 STP रोज करनी ही है, या तो खुद की या टीम की, उसके बिना कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जितने आप सोच के आए हैं, जितना आपको बताया गया, वो सब अचीव हो सकता है, उससे कई गुना ज्यादा हो सकता है, लेकिन शो द प्लान। और बार बार मैं एक बात कहूंगा, एक्सपर्ट की समझिए, एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, लेकिन एक्सपर्ट की सलाह लेने के बाद अपना दिमाग मत लगाइए। और एक्सपर्ट कौन है इस इंडस्ट्री का, एक्सपर्ट कौन हुआ, जो ज्यादा पैसे कमा रहा है? किसी भी कंपनी का हो सकता है, लेकिन उस हर व्यक्ति को उठा के देख लो, वो आज भी बिजनेस प्लान देता है, वो आज भी शो द प्लान करता है। अब उनका शो द प्लान बदल गया, अब उनका शो द प्लान टीम में हो गया, भीड़ में हो गया, 1-to-1 हो गया, जो भी हो गया, लेकिन एवरीडे वर्किंग है। और या फिर चलो मैं दूसरा बोलता हूं, हो सकता है आज जो व्यक्ति 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए महीना कमा रहा हो, वो शो द प्लान नहीं कर रहा है। चलो तुम भी 2 करोड़ पैकेज मत करो, उसकी हिस्ट्री बताओ। हम बेसिकली कई बार, सर ये भी खतरनाक बात है, कि हम उस टॉप लीडर को देखते हैं जो महीने के 1.5-2 करोड़ कमा रहा है, कि सर वो तो घर से नहीं निकलता। हाँ मान लिया, लेकिन वो जहां तक पहुंचा तुम उसको देख रहे हो, वो जहां से आया उसको तो देखो, जब उसने शुरुआत करी थी तब तक घर से नहीं निकलता था। ऐसा हो सकता है, इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल कि वो बिना घर से निकले अपने घर पे 1.5-2 करोड़ ला रहा हो। तो उसने शुरुआत में क्या करा था, कॉपी दैट, रोज शो द प्लान। जॉइनिंग, अब कुछ बोलो। नहीं, हाँ सर, मैं एक लीडर की काउंसलिंग कर रहा था, वो बाइक पे घूमता, मैंने उससे एक बात पूछी कि या हाथ यहां से काले हुए धूप में? उसने बोला नहीं हुए। मैंने कहा फिर आप काम नहीं कर रहे। दोस्तों बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हमने जो संघर्ष करा वो हमें बताया, लेकिन वो संघर्ष आज नहीं हो पा रहा है, और वो सिर्फ एक चीज के लिए रहता था, एसटीपी, शो द प्लान, शो द प्लान। जितना प्लान आप करेंगे उतनी तेजी से मल्टीप्लाई होंगे आइडिया, और बहुत बहुत कम अमाउंट के आइडिया। जिस बिजनेस की सुमित सर बात कर रहे हैं, हम 3500 रुपए के आईडी उठाते थे उसको, और ट्राइकोप से कम लेते ही नहीं थे।
तीन आईडी चाहिए मिनिमम। ट्रैकर तो वैसे भी लगाना चालू कर दी, जहां जितनी मेहनत आप 1700 में कर रहे हैं उतनी 5100 में होगी। लेकिन सॉरी सर, मैं एक मिनट रुक रहा हूं। अच्छा बस एक एक जवाब दीजिए, कोई व्यक्ति जॉब पे जा रहा है तो उसके आवर्स कितने होते हैं, वर्किंग आवर्स? इस बिजनेस में आप 1000 रुपए कमा रहे हो या 1 करोड़ रुपए महीना, आपको मैक्सिमम जरूरत है 6 घंटे पर डे, इससे ज्यादा की नहीं। इससे ज्यादा कर रहे हैं तो भी आपके मैनेजमेंट में गड़बड़ है, मत करो, जरूरत भी नहीं है। 6 घंटे प्रतिदिन देना इज मोर देन सफिशिएंट फॉर स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए महीना, बाद में 5 लाख, उसके बाद 10 लाख। लेकिन उसके बाद भी 6 घंटे मोर देन सफिशिएंट। लेकिन 6 घंटे का डिवाइडेशन 10 लोगों में चाहिए, मतलब आपकी टीम में 10 ऐसे लोग जो 6-6 घंटे दे रहे हो। अपने वो अभी उस दिन का उदाहरण ले, कबड्डी, क्रिकेट, साइंटिस्ट। कबड्डी के खिलाड़ी आपकी जो 11 टीम है लोगों की, 11 टीम क्या वो 11 के 11 नेटवर्कर है? उनमें से कोई टीचर है? अगला सवाल, क्या आप नेटवर्किंग करते हैं? यस सर। और क्या आप नेटवर्कर हैं? इसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेटर नहीं हो जाता जब उसका प्रोफेशन ही क्रिकेट हो जाए, जब उसका जिंदगी का मकसद ही क्रिकेट हो जाए, तब वो क्या कहलाएगा? अच्छा, तब वो क्रिकेटर है। तो आप में से नेटवर्किंग तो कर रहे हैं, और नेटवर्कर कितने ये नहीं मालूम मुझे। देखिए बेसिक ट्रेनिंग में बात हो रही है आज, एक बात और समझें, आपका फुल टाइमर होना भी आपको नेटवर्कर नहीं बनाता। ये गलत फहमी से बाहर आ जाइए कि मैं तो सर सिर्फ जो है नेटवर्किंग ही कर रहा हूं, दैट इज आम नेटवर्कर हो गया ना। रितेश सर ने एक लाइन बोली थी, आप फुल टाइमर है या फुल टाइमर है? हाँ, मतलब बेवकूफ बना रहे हो टाइम को या सच में फुल टाइमर हो, ये भी तो देखना पड़ेगा। इफ यू आर अ फुल टाइमर नेटवर्कर तो मुझे तो 5 STP बताओ बस, या 6 घंटे वो वाले बताओ जहां पे आप प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं। यदि आपके एक लिए हुए कदम का कोई प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं है तो वो काम आपका वर्किंग में काउंट कैसे हो रहा है? यदि आप अपने घर से कार में 3 किलोमीटर दूर गए हैं और गाने सुनते हुए गए हैं तो वो नॉन प्रोडक्टिव है, लेकिन उसी समय किसी से फोन पे बात करते बिजनेस प्लान देते गए तो वो प्रोडक्टिव है। हर वो लिया हुआ स्टेप, बहुत खुले शब्दों में, हर वो लिया हुआ स्टेप जिसकी वजह से मेरे पास पैसा आएगा वो प्रोडक्टिव है, और दूसरा मुझे वो स्टेप ही नहीं लेना जिससे पैसा नहीं आए। जब बेसिक मकसद और मेन मकसद पैसा ही कमाना है तो मुझे हर वो स्टेप लेना है जिससे पैसे आए, और वो स्टेप ही नहीं लेना है जिससे पैसे नहीं। ये धंधे का रूल है दोस्त, ये बिजनेस का नियम है, बिजनेस कुछ भी। लेकिन यदि आपकी स्टेप से आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, मैं लिख के रहा, मैं भी बुरहानपुर गया था, यू नो कुछ लोग को पता, मैं बुरहानपुर गया था। मैं भगवान की कसम खा के बोल रहा हूं, यदि मुझे 1% भी वहां लगता कि कोई ओपनिंग नहीं हो रही, उससे नया धंधा नहीं, मैं नहीं जाता। मैं यहां खड़ा भी इसलिए हूं क्योंकि यहां से धंधा बढ़ेगा। कल ऑफिस में प्रोडक्ट देने के सुबह से शाम तक मैं वहां ऊपर इसलिए बैठा रहूंगा क्योंकि वहां से धंधा बढ़ेगा। धंधा बढ़ेगा तो क्या आएगा? पैसा। एक भी स्टेप वो लेना ही नहीं है जिससे पैसे नहीं है। मैं चलो एक उदाहरण दे रहा हूं भैया, क्षमा जाके दे रहा हूं, आपका उदाहरण। मैं जिंदगी में हर जगह ये उदाहरण भैया का लेते लेता हूं। मैं अभी कुछ दिन पहले से वो दिव्यकांत साहब जो हैं वो एक बात बोल रहे थे कि आपकी लाइफ में कैसा व्यक्ति होना चाहिए जो अनकंडीशनल हो, जिस पे कोई कंडीशनल काम नहीं करते। मैं इनके जीवन का अनकंडीशनल व्यक्ति हूं, मैं इनके जीवन का अनकंडीशनल व्यक्ति हूं। भैया ने जो बोला, यदि मैं कोई अभी बोल दे कि सुबह गुड मॉर्निंग बोल दो, मैं 3 सेकंड में लगाऊं गुड मॉर्निंग बोल दूंगा। और ये बात ये भी जानते हैं, ये
इनका सगा भाई अभिषेक और मैं अभिषेक से बड़ा हूं, इनसे छोटा हूं, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं कल अभिषेक और मेरे बीच में कोई बात आ जाए तो ये पक्ष किसका लेंगे? मेरा। लेकिन अब दूसरी बात सुनो दोस्त, मैं प्रोफेशनल टाइप की बात कर रहा हूं। भैया के हाथ में दो फोन है, एक पे मेरा फोन आया, हाँ भाई सब बात करो, और इतने में किसी का फोन आया कि सर गोल्ड के रेट है, ये मालूम क्या करेंगे? सुमित भी आपको बाद में लगा था, भाई साहब गोल्ड के रेट जो है, और मैं इस पर इतना खुश होता हूं ना, इतना खुश होता हूं, हजार जगह एग्जांपल देता हूं। आप पॉइंट समझ लो किसकी बात हो रही है, छोटे भाई सगे भाई से बड़ा भाई, फोन किसका है? मेरा है। ये गोल्ड वाले को बोल सकते ना, दो मिनट भाई साहब बता रहा हूं, लेकिन फोन किसका? सुमित भाई आपको बता रहा हूं, भाई साहब गोल्ड का रेट था। हाँ सुमित भाई आप क्या बोल रहे थे? भाई पहले वो काम करना है सिंपल, और इस बात पे मुझे गर्व है, इस बात पे मुझे गर्व है, ये है ये चीज, मतलब वो काम ही नहीं करना है जो नॉन प्रोडक्टिव हो। देखो हम 24 के 24 घंटे प्रोडक्टिव काम में नहीं कर सकते, मैं तो आपसे 6 घंटे की बात कर रहा हूं, दिन के 6 घंटे कम से कम वो काम करो जो आपको प्रोडक्टिव हो, जो 100% प्रोडक्टिव हो, क्योंकि वही भैया सैटरडे और संडे अपना फोन स्विच ऑफ रखते हैं, किसी क्लाइंट का फोन ही नहीं उठाते, क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट बंद तो फोन ही नहीं उठाना, क्योंकि उस दिन वो क्लाइंट कितना भी सर खा ले मार्केट को उछल पसल नहीं कर सकता, पैसे नहीं देगा, पैसे नहीं देगा। तो सिंपल सी बात है, वो दिन फैमिली का है, वो दिन लोगों का है, वो दिन मेरा है, या वो मार्केट के बाद का समय मेरा और मेरी फैमिली का है, लेकिन जब तक मैं बिजनेस पे खड़ा हूं, जब तक मैं बिजनेस का काम कर रहा हूं, तब तक वही काम होगा जो प्रोडक्टिव। ये चीज आपको अपनानी पड़ेगी, आपका एक एक समय प्रोडक्टिव काम। अच्छा आप 6 घंटे डिसाइड करो, 4 घंटे डिसाइड करो, लेकिन जितना डिसाइड कर रहे हो उसमें तो टाइम पास मत करो। ऑफिस आके बैठना ये आपका प्रोडक्टिव नहीं है, आपकी प्रोडक्टिव टाइम को बताइए। सर आप कुछ बोल रहे थे? सॉरी नहीं, मैं तो सवाल ही पूछ रहा था, आपने उसका जवाब भी दे दिया, बहुत बढ़िया। यानी सबसे बड़ी है प्रोडक्टिव टाइम, प्रोडक्टिव टाइम आप अपने आप को बता पाओ, बहुत बढ़िया। मैं सबसे हाँ टू बी कंटिन्यूड सर, बिल्कुल। और आपने बहुत बड़ा मैसेज दिया था ना कि घर पे रह के घर ना चलता और ना बनता। हाँ, सिंपल घर बनाना है, घर चलाना है, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और इस सुमित सर का फोन ना हो तो मैं इसमें एग्जांपल गोल्ड वाले में यही कहता, जिस दिन भैया ने गोल्ड वाले का फोन काट के सुमित सर का फोन उठाना शुरू कर दिया, उसके 3 महीने बाद सुमित सर का ही फोन आने बंद हो जाएंगे, और सर दोनों के बंद हो जाएंगे। आंसर नहीं मिला इसलिए तो हो जाएंगे ना भाई, गोल्ड वाले ने का फोन इन्होंने काट दिया, काम चलना बंद हो गया। तो आपसे जो बात कर रहा है वो भी इसलिए कर रहा है कि आपके काम चल रहा है। आप उस काम को काट के अगर किसी और काम में लग रहे हो तो जय माता दी। हम कई बार हमारा कॉल छोड़ के वो काम करने लग जाते हैं जो किसी पर्पस का नहीं है। सर एक शब्द है नाकाम। हाँ। नाकाम माने क्या होता? फेलियर। तो जब आप काम को ना बोल देते हो तब क्या हो जाते हो आप? नाकाम। नाकाम और नाकाम है क्या? और कुछ भी नहीं है नाकाम, आपने काम को ना बोल दिया आप नाकाम हो गए। तो दोस्त जब आपने डिसीजन, भाई साहब प्लीज 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 भैया क्लिक जोरदार डालिया। मैं क्षमा चाहता हूँ, बीच में व्यवधान डालवा हूँ। एक काम करना, वो काम को शिद्दत के साथ करना, वो काम को जुनून के साथ करना। कोई व्यक्ति जब अपने काम को इस जुनून के साथ करता है, लगता है कि काम हो तो काम ऐसा होना चाहिए, वो काम को घमंड होना चाहिए कि मुझे इस आदमी ने किया। क्या बात है, काम को घमंड होना चाहिए। मेरे जीवन काल में इकलौता ऐसा कोई शख्स है जिसने काम को इस जुनून के साथ किया कि मुझे लगता है कि अमित शर्मा जिंदगी में कभी कोई काम करेगा तो कोशिश करेगा सुमित मिश्रा साहब जैसा। अरे इतनी शानदार शख्स है जो काम को लेकर इतने समर्पित है। मेरे जीवन की 2 घटना बताता हूँ अशोक भाई साहब। किसी काम को लेकर के मैं और सुमित भैया उज्जैन गए, 7-8 साल पुरानी बात है। हम घर से जस्ट निकले, मैंने कहा भाई साहब पानी पी लें, बोले भैया वो क्लाइंट लेट हो जाएगा, मैं रास्ते में पी लेंगे। मैंने कहा ठीक है। हम उज्जैन गए, हमने 3 मीटिंग करी, शाम को 6:30-7 बजे जब वापस आ रहे थे तो सांवेर में मैंने कहा भाई साहब कुछ कमजोरी जैसा फील हो रहा है। बोले भैया हो तो मुझको भी रहा। मैंने कहा भैया कारण क्या है? भैया ने कहा सुबह 7 बजे जो पानी पीना था ना, अपन ने अभी तक पानी नहीं पिया, हम काम को लेकर के लगे।
और काम को लेकर के जो जुनून सुमित भाई साहब का है वो हिंदुस्तान में मैंने व्यक्तिगत तौर पे किसी का नहीं देखा। गदोड़ गए थे कौन से करोड़ की बात है भैया 2012-13 की 2016-15 आप कल्पना करिएगा कि हम 450 किलोमीटर की यात्रा करके आए। उस समय मध्य प्रदेश सरकार ने भाई साहब को पॉली हाउस का काम दिया था गवर्नमेंट की तरफ से, तो एमपी में 550 पॉली हाउस भाई साहब ने लगाए जो एमपी सरकार 14 साल में नहीं लगा पाई। एक बार तालियां भाई साहब की। हम 400 किलोमीटर की यात्रा करके आए मगर शाम को 6:30-7 बजी होगी। मैंने कहा भाई साहब मैं आराम कर लूं। भैया का प्ले था, बोले भैया आपको प्ले में आना होगा। आनंद मोहन माथुर की ओपनिंग थी और तीसरे दिन प्ले थिएटर था। अब चूंकि मैं प्ले देख के आया, आप काम के प्रति जुनून देखिए कि 11:30 बजे मैंने प्ले देखा, मैं घर आया रात को 2:30 बजे। हमको गदोट के लिए निकलना था, चूंकि भैया उस प्ले में मुख्य किरदार निभाया था, भैया 1:30 बजे फ्री हुए। 2:30 बजे टाटा इंडिका वाला भैया के यहाँ पहुंच गए। भैया की नींद बमुश्किल 15 मिनट हुई होगी। भैया कह सकते थे कि अमित भैया आज आप गदोट की मीटिंग निपटा लो, लेकिन मैं 4 घंटे सोया, भैया 15 मिनट सोए। इंडिका वाला आया, भैया ने मुझे घर से लिया। घर से लेकर के हम गदोट पहुंचे। स्थिति ये थी कि पिछले दिन 450 किलोमीटर की यात्रा, प्ले, महज 15 मिनट सोना, उसके बाद में नींद मेरी आंखों में भी छा रही है, नींद भाई साहब की आंखों में छा रही है। उस दिन गदोट में हमने बैक टू बैक 18 मीटिंगें ली है, और जब भाई साहब मीटिंग ले रहे थे 10 मिनट का पावर नैप मैं लेता था, और जब मैं मीटिंग लेता था 10 मिनट का पावर नैप भैया लेते थे। एक एक व्यक्ति कार में सोया, लेकिन हमने एक बार भी गरोट वाले को फोन ला के नहीं बोला कि यार हम लोग थके हुए कल आएंगे। उसने कल 18 बजे मिलवाया था। तो जो भैया ने एक बात बोली, भैया मैं सारी बात को काट रहा हूँ, कि सागर में पानी की बॉटल ले ली। मैं कई बार लोग देखता हूँ उस पानी की बॉटल लेने की ताकत तो बिजनेस प्लान में थी भैया। वो जो गरोट वाले को बड़े आसानी से बोल सकते थे, अपने ही व्यक्ति था, कि हम 2 दिन बाद आएंगे, लेकिन हमें पता था 2 दिन बाद इसने 18 लोगों से नहीं मिलवाया तो अपने 2 दिन भी बिगड़ेंगे और ये 18 लोगों का कॉन्टैक्ट भी बिगड़ेगा। तो एक व्यक्ति कार में सोता था, एक जाके बिजनेस प्लान देता था, एक कार में सोता था, एक बिजनेस प्लान देता था। और इतना सब होने के बावजूद भी खाना रात को 12:30 बजे खाया, पूरे दिन खाना नहीं खा पाया, लेकिन हमें वो 18 कॉल चाहिए थी। उस 18 कॉल की ताकत थी कि आज भैया 400-500 करोड़ रुपए का अपना पोर्टफोलियो लेके बैठे हैं, मैं एक कंपनी लेके बैठा हूं। बट ये जो ताकत थी ये वहां था, वो काम के जुनून ने। तो मैं आपको आज इस महफिल में बैठे एक एक शख्स को एक बात की गारंटी देता हूं, मैं चुनौती देता हूं कि आप लोग यहां बैठे हैं ना, आप इससे बड़ी कंपनी ढूंढ सकते हैं, मिलेगी नहीं। आप इससे अच्छे प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं, आपको मिलेंगे नहीं। आप इससे अच्छा प्लान ढूंढने की कोशिश करिए, आपको प्लान नहीं मिलेगा। ये 3-4 चीज यदा कदार विश्व के किसी भूभाग में संभव हो जाए, लेकिन आदि अनादि काल से आने वाले युग तक सुमित मिश्रा जैसा शख्स आपको पूरी जिंदगी नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार खड़े होकर के भगवान के इस आशीर्वाद को जोड़कर जोरदार कलयुग के साथ सुमित भाई साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं आपको फिर से 3 महीने बाद इनवाइट कर रहा हूं, मेरा एक और थिएटर है उसमें भी आ जाना। लेकिन मेरे को थिएटर करना था तो मैंने थिएटर वालों का टाइम सुबह 6 बजे करवा दिया। वो 8 से 10 प्रैक्टिस कर रहे थे, मैंने 6 से 8 करवा दी और 5 बजे उठना चालू कर दिया। लेकिन ऑफिस वही 11 बजे पहुंच जाऊंगा, रात को वर्किंग उतने ओवर करूंगा। मैंने अपने खुद के व्यक्तिगत काम के लिए अपना पैसे कमाने वाले समय में छेड़छाड़ नहीं करी। सर जी, दूसरी चीज, मैंने मेरी जिंदगी में कितना कमाया, कितना लाया, बात मायने नहीं रखती। लेकिन एक बात मैं घमंड के साथ कहता हूं कि कुछ रिश्ते मेरे जीवन में बड़े करीब हैं। एक मेरा भाई है, एक मेरी बीवी है, एक मेरा परिवार है, एक सुमित भैया है। अगर आप रात को 2 बजे इन चारों को रेंडमली फोन लगा करके बोलो कि अमित शर्मा का भोपाल चौराहे पे एक्सीडेंट हो गया है, बीवी ससुराल फोन लगा के पूछेगी, भाई आंख पलेगा और मेरा भाई भोपाल पहुंच जाएगा। ये आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद।
ये कमाया है दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। एक बात, मैं 1.5 साल से, वैसे सुमित सर से बहुत पुरानी पहचान है, लेकिन 1.5 साल से सर के साथ में काम कर रहा हूँ और बहुत नजदीक आया हूँ 1.5 सालों में। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सोनू और कपिल, हमारे पास में एक काम खत्म नहीं होता है सर, नए 4 काम की प्लानिंग कर लेते हैं। अभी क्या हुआ, अभी आज का ही किस्सा है, मैं और कपिल यहाँ बैठे हुए थे और सर चुपचाप बैठे हुए थे और कपिल मेरे कान में धीरे से बोलता है, वीरेंद्र सर, सर कुछ सोच रहे हैं, सुबह तैयार हो जाओ, कुछ नया काम मिलने वाला है। ये ऐसी शख्सियत के साथ में वाकई में हम सब भाग्यशाली हैं जो सुमित सर के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और हमारे लाइफ का विजन चेंज हो चुका है, सोच बदल चुकी है, थॉट प्रोसेस बदल चुकी है सर। वाकई में मतलब लग रहा है कि इस 50 साल की उम्र में वापस वीरेंद्र जवान का पुनर्जन्म हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फिर हम लोग अलग उधर अलग दिशा में जा रहे हैं, बट मुद्दा यह है प्रोडक्टिव टाइम। आपको अपने शोध प्लान करने पड़ेंगे और आपका प्रोडक्टिव टाइम बहुत नहीं 6 घंटे निकालिए, लेकिन 6 घंटे प्योरली आप बिजनेस में दीजिए। आप जब ये निर्णय लेके यहां के बैठ गए हैं कि इस व्यवसाय से पैसे कमाने हैं, तो फिर उस व्यवसाय को उतना वैल्यू दीजिए और उस व्यवसाय में उतना समय दीजिए, और समय ही पैसा लाके देगा, बीता हुआ नहीं आने वाला, समय ही पैसा लाके देगा। आप अब समय को या तो बिता दीजिए, तो बीता वाला समय कभी पैसे नहीं देता, आने वाला ही देता है, तो उसको आने दीजिए, उस पे काम करिए। सर, आई थॉट बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शानदार सर, थैंक यू सो मच। एक बार बहुत जोरदार तालियों का स्वागत करें सुमित मिश्रा सर। आपका ये व्यक्तित्व, आपका ये मार्गदर्शन, आपका होना, तो कल मिला के रखो दो आप ये है कि भविष्य होना आज्ञा है और एक कॉर्पोरेशन में होना सौभाग्य।